हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के माध्यम से आप लोग एडमिशन ले लिए होंगे डायरेक्ट थर्ड ईयर में, तो आप लोग को अब पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आप लोग सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस क्या होने वाली है, ऑल ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस जो भी ब्रांचेज है बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो पढ़ाई होता है उनमें क्या होने वाला है सिलेबस, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस क्लियर करते हैं। साथ ही दोस्तों आपको सारी जानकारी मिलेगा कि आपको कौन सी बोर्ड से डॉक्यूमेंट मिलेगा, टोटल कितना मार्क का एग्जाम होता है, तो चलिए और चीज़ें क्लियर करते हैं। आज जो हम बात करते हैं इस वीडियो में वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करते हैं। पहले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं बता दूँ कि सिविल इंजीनियरिंग को क्या पढ़ाई करना है आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में, तो सारी बातें क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन चीज़ बताता हूँ ऑल ब्रांच के लिए। ऑल ब्रांच के लिए मैं बता दूँ आप लोग को जो डिग्री मिलेगा, आप लोग जो पढ़ाई करना है वो बोर्ड होगा अब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, यानी कि अब इसे SBTE के नाम से आप शॉर्टकट में जान सकते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, जिसका एड्रेस बेली रोड पुनाईचक में है, विश्वेश्वरैया भवन के कैंपस में आता है। तो आप लोग को स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सब जुड़ गए हैं, यहाँ से सारे काम होगा, सारे डॉक्यूमेंट रिलीज होगा। आप लोग बोर्ड से डायरेक्ट कोई भी वर्क हो तो आप लोग बेली रोड पुनाईचक में आके, विश्वेश्वरैया भवन इसका एड्रेस है, आप यहाँ पर आके बोर्ड का काम कर सकते हैं। यह ऑल ब्रांच के लिए है। ऑल ब्रांच के लिए एक बात और बता दूँ, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल ऑल ब्रांच टोटल 750 मार्क का होगा, ठीक है, एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम 750 मार्क का होगा। तो चलिए अब सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का तो बता दूं, आप लोग का जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वो 7-7 सब्जेक्ट का होगा। पहले मैं 5 सब्जेक्ट का बताता हूँ, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा है मैं वो भी बताता हूँ। बता दूँ सबसे पहले आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग और कंक्रीट। और 2 सब्जेक्ट जो आप लोग को अलग से पढ़ना है वो 2 सब्जेक्ट आप लोग को ये रहेगा, पहला की मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स रहेगा। इसमें देख लीजिए पहला सब्जेक्ट आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा 6ठा सब्जेक्ट के रूप में, और 7वां सब्जेक्ट के रूप में आप लोग को ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग को इसमें भी कंडीशन है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आप लोग देख लीजिए। कंडीशन यही है कि जो कैंडिडेट 12th पास करके गए होंगे, जो 12th पास करके, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 12th पास करके डिप्लोमा लेटरल एंट्री में एडमिशन लिए होंगे, उन्हीं कैंडिडेट को ये दोनों सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में पढ़ना है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो ITI करके गए हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, ITI करके गए हैं, उस कैंडिडेट को ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये 2 सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ना है। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, फिर से बता देता हूँ, जो ITI करके गए हैं, जो ITI पास करके गए हैं उसको मैकेनिक्स और ड्राइंग का जो सब्जेक्ट 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो दोनों पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन वहीं जो 12th पास करके गए हैं जो कैंडिडेट, उनसे बता दूँ उनको मैकेनिक्स 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मैकेनिक्स और ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग को टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। तो आप लोग देख लिए होंगे थर्ड सेमेस्टर के 7 सब्जेक्ट। अब इसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आप लोग को जो थ्योरी का एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम देना है सेंटर पे जाकर, उसका 70-70 मार्क का होगा, ठीक है, 70 मार्क का होगा। और आप लोग का जो 30 मार्क है ना वो आप लोग को प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 20 मार्क का आप लोग को असाइनमेंट प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा और 10 मार्क का आप लोग को असाइनमेंट देना पड़ेगा। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन करके भी रख सकते हैं, या आप लोग SBTE के वेबसाइट SBTE लिखिएगा, SBTE बिहार, इस साइट पर जाकर के आप लोग खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब प्रैक्टिकल क्या है, कितने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल देना है,
तो प्रैक्टिकल आप लोग को जिनका एग्जाम कॉलेज में होगा वो दो सब्जेक्ट होगा, सर्वेइंग का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये दोनों का एग्जाम होगा, आप लोग को कॉलेज में जा कर देना है। टोटल 20 मार्क का एग्जाम होगा, ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को बता दूं कि टर्म वर्क जिसे असाइनमेंट बनाकर जमा करना है वो इन चार सब्जेक्ट का, पाँच सब्जेक्ट का होगा, सर्वेइंग, बिल्डिंग ड्राॅइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्किल टू। उसके बाद आप लोग को प्रोफेशनल प्रैक्टिस थर्ड, प्रोफेशनल प्रैक्टिस थर्ड, इन तीनों का, चारों का सॉरी इस पांचों का आप लोग को क्या है ना कि असाइनमेंट लिख के जमा करना पड़ेगा। तो शायद आप लोग मोटा मोटी सिलेबस समझ गए होंगे। सिलेबस के रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को साथ में लाएंगे सिलेबस, तो देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको और भी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।